शब्द आता है पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन आइए इसको डिटेल में समझाऊं इसको शॉर्ट फॉर्म में पोई कहते हैं पोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की परिभाषा है इट इज अ डेरिवेबल पॉइंट अबाउट विच कॉन्केविटी चेंजेस ध्यान रखना यह है उसकी परिभाषा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे डबल डेरिवेटिव का जीरो होना मतलब जरूरी है लेकिन डबल डेरिवेटिव जीरो है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा ऐसा जरूरी नहीं है ध्यान रखना एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डबल डेरिवेटिव जीरो बट नॉट द कनवर्स आइए मैं समझाऊं जैसे y इक्वल टू एक्स की पावर फोर का ग्राफ देखिए तो एक्स की पावर फोर का ग्राफ ये है डायस ले डबल डायस डैश लेट एक्स इक्वल टू जीरो वाई डबल डैश इज जीरो बट एक्स इक्वल टू जीरो इज नॉट पोई क्योंकि जीरो के पहले भी कौन के वप है जीरो के बाद भी कौन के वप है ध्यान रखना डबल डेरिवेटिव का जीरो जाना ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होने के लिए काफी नहीं है डबल डेरिवेटिव का जीरो जाना ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होने के लिए काफी नहीं है हाँ लेकिन हाँ अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो डबल डेरिवेटिव जीरो होगा अगर कौआ है तो काला होगा लेकिन हर काली चीज कौआ नहीं होगी भैंस भी हो सकती है ओके okay, एक और चीज जरा इस ग्राफ को देखें एक्सक्वायर माइनस फोर का मॉड इस ग्राफ को देखिए पहले मैं वाई इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस फोर का ग्राफ बनाऊंगा ऐसा ग्राफ बनेगा चार दो माइनस दो अगर इसका मॉड ले लूंगा तो नीचे वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा अब ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए माइनस टू के पहले कॉनकेव अप है माइनस टू के बाद कॉनकेव डाउन है बट एक्स इक्वल टू माइनस टू इज नॉट पोई आईज आईट एक्स इक्वल टू माइनस टू फंक्शन इज नॉट डेरीवेबल ध्यान देना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर दो शर्तें हैं एक तो उसके अबाउट कॉन्केविटी चेंज करे और दूसरा वो डेरिवेबल होना चाहिए जैसे यहां माइनस टू के अबाउट कॉन्केविटी तो चेंज करती है लेकिन माइनस टू पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है नहीं क्यों क्योंकि वो नॉन डेरिवेबल है वही बात टू के लिए भी है टू के पहले कॉनकेव डाउन टू के बाद कॉनकेव अप एक्स इक्वल टू टू इज ऑल्सो नॉट पोई समझ में आया ये बात ध्यान देंगे डेरिवेबल पॉइंट होना बहुत जरूरी है अब हाउ टू गेट पोई बहुत आसान है बहुत आसान है पुट वाई डबल डैश जीरो क्योंकि अगर पोई है तो वाई डबल डैश जीरो हो गई होगा तो आप क्या करेंगे लेकिन उल्टा ट्रू नहीं है तो चेक करेंगे पुट वाई डबल डैश जीरो एंड गेट ऑल इट्स सॉल्यूशंस वाई डबल डैश को जीरो करके सॉल्यूशन निकालेंगे एंड चेक Sign change of Y double dash at each solution. If about it sign changes, then poi. If not changes, then not poi. ये है तरीका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने का आप क्या करेंगे वाई डबल डैश जीरो के सारे सॉल्यूशन निकालेंगे और हर सॉल्यूशन पर वाई डबल डैश का साइन चेंज चेक करेंगे अगर वाई डबल डैश का साइन चेंज कर रहा है तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कॉन्केविटी चेंज हो रही है लेकिन अगर साइन चेंज नहीं कर रहा तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है कॉन्केविटी चेंज नहीं हो रही जैसे मैंने आपको यहां एग्जाम्पल में बताया कॉपी करिए